हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो लेक्चर्स ऑफ सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 1, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम शॉर्ट में अकाउंट्स भी बोलते हैं। सीए फाउंडेशन के पहले पेपर अकाउंट्स की वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। माई नेम इज वरुण जैन एंड आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। पिछले लगभग 8 सालों से मैं सीए कोर्स में पढ़ा रहा हूँ। सीए स्टूडेंट्स को मैं पिछले 8 साल से फाउंडेशन लेवल पे अकाउंट्स, इंटरमीडिएट लेवल पे अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड फाइनल लेवल पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि पूरे सीए कोर्स में अकाउंट्स और ऑडिट पढ़ाने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। खैर, जोक्स अपार्ट, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने इस कोर्स को चुना। देखिए, कॉमर्स फील्ड में सबसे टॉप मोस्ट और सबसे हाईली पेबल और हाईली वैल्यूएबल और हाईली प्रेस्टीजियस कोर्स जो है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स। अब कई बार क्या होता है कि हमारे आसपड़ोस वाले या दोस्त वगैरह ये सब चीजें बोलते हैं कि सर, ये कोर्स तो बहुत टफ है, इसमें रिजल्ट नहीं आता, टाइम लग जाता है बनने में। देखिए सर, रिजल्ट नहीं आता वो जेन्युइन चीज नहीं है, वो बच्चों की जो कमी होती है उसकी वजह से रिजल्ट डाउन होता है। हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आपको हर चीज की एक परफेक्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, हर चीज का आपको बेस स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब बिल्कुल परफेक्शनिस्ट होकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आपको आगे जाके बिजनेसेस को संभालना है। तो इंस्टीट्यूट आपसे ये डिमांड करता है कि यू हैव टू बी परफेक्शनिस्ट इन ईच एंड एवरी फील्ड, तो उसमें कोई गलत नहीं है। अब दिक्कत क्या आती है कि बच्चा जब परफेक्शन लेवल पर नहीं पहुंच पाता तो इंस्टीट्यूट उसको पास नहीं करता, क्योंकि इस कोर्स की इनिशियल रिक्वायरमेंट यही है कि बच्चे को परफेक्शनिस्ट बनना पड़ेगा, तभी तो वो जाकर बिजनेस को संभाल पाएगा। क्योंकि बिजनेस के ज्यादा से ज्यादा डिसीजंस, एक बिजनेसमैन के ज्यादा से ज्यादा डिसीजंस चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर किसी सीए ने किसी बिजनेसमैन को गलत ओपिनियन दे दिया, गलत एडवाइस दे दी, तो उसका बिजनेस डाउन चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बिजनेस का जो डायरेक्टली लिंक होता है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से होता है। आप लोगों ने एक स्पीच भी सुनी होगी, आई होप आप लोगों ने सुनी होगी, रतन टाटा जी की एक स्पीच है, एक कोट उन्होंने बोला था एक बार कि आई नीड एमबीएस टू रन माई बिजनेस, आई नीड एमबीएस टू रन माई बिजनेस, बट आई नीड सीएस टू टीच दोज एमबीएस हाउ टू रन द बिजनेस। अब देखिए, एमबीए क्या होता है, एमबीए होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो बिजनेस मैनेजमेंट में परफेक्शनिस्ट होता है, लेकिन उस एमबीए को सिखाना कि बिजनेस कैसे चलाया जाए वो सर सीए ही सिखाता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा कॉमर्स की फील्ड में नॉलेजेबल पर्सन कोई भी नहीं हो सकता। एक सीए ही कॉमर्स फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में, अकाउंट्स की फील्ड में, लॉ की फील्ड में, टैक्सेशन की फील्ड में, ऑडिट की फील्ड में सबसे ज्यादा नॉलेज रखता है। ठीक है जी, तो आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने इस कोर्स को सुना है। इस कोर्स में आपको बहुत सारी सर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत कुछ है, आप लोग सीए क्वालिफाई करने के बाद जॉब में जा सकते हैं, यू कैन डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस मीन्स कि अपना ऑफिस खोला और अब क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, खुद ही ऑडिट कर रहे हैं, बैलेंस शीट साइन कर रहे हैं, ये सब चीजें, दिस इज नोन एज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में आप जा सकते हैं, यू कैन डू बिजनेस एज वेल। एक सीए से अच्छा बिजनेसमैन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसको हर एस्पेक्ट की, हर एरिया की नॉलेज है। तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, यू कैन डू टीचिंग ऑल्सो, आप मेरी तरह टीचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है जी, तो सीए कोर्स चुना, दैट इज हाईली अप्रिशिएबल। अब हम कुछ कोर्स रिलेटेड बातें करते हैं। देखिए, सीए कोर्स को अगर मैं लेकर जाऊं तो सीए कोर्स में आपके 3 लेवल्स है। हाँ जी, सीए सीए कोर्स में आपके 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल इज योर फाउंडेशन। फाउंडेशन मींस बेस या बेसिक्स, फाउंडेशन मींस बेस या बेसिक्स। देखो, आपको अपना बेस को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अगर नींव स्ट्रांग होगी, अगर नींव स्ट्रांग होती है तो बिल्डिंग अपने आप ही स्ट्रांग होती चली जाती है। अगर आपका फाउंडेशन ही डगमगा गया, अगर आपका फाउंडेशन ही डगमगा गया
तो सर इंटरमीडिएट में फाइनल में जाकर आप लोगों को दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो यहीं से ही इसी लेवल से आपको अपनी चीजों को शार्प करते चले जाना है, आपको अपने बेस को परफेक्टली स्ट्रांग रखना पड़ेगा। यहां अगर स्ट्रांग हो गया इंटरमीडिएट फाइनल में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखिएगा आप अगर पास्ट टेंस को निकाल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सर फाउंडेशन में तो रिजल्ट आता है ज्यादा, इंटरमीडिएट में कम हो जाता है, फाइनल में और कम हो जाता है। सर क्यों होता है ऐसा? ऐसा होने का कारण ये होता है कि बच्चा फाउंडेशन में तो थोड़ी बहुत 11 12th की नॉलेज लगा के पास कर लेता है पेपर, लेकिन उसने फाउंडेशन में अपने बेस को स्ट्रांग नहीं किया। वो वही 11 12th वाली बेसिस पे, बीकॉम वाले बेसिस पे पेपर देके आ रहा है, पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने यहां पर बेस स्ट्रांग नहीं किया तो सर इंटरमीडिएट में फंसोगे, और इंटरमीडिएट में अगर फंस गए तो सर फाइनल में फंसोगे ही फंसोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपना बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा, फाउंडेशन लेवल से ही आपको अपनी चीजों को स्ट्रांग करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल आता है आपका इंटरमीडिएट, सीए इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों की एप्लीकेशन सिखाई जाएंगी। देखो फाउंडेशन लेवल पे आपको कई सारी चीजों की नॉलेज मिलेगी, कुछ एप्लीकेशन भी होगी, और नॉलेज पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों की एप्लीकेशन सिखाई जाएगी कि आप किसी भी केस में इस प्रोविजन को कैसे अप्लाई करोगे। केस स्टडी बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे। और थर्ड स्टेज आती है आपकी फाइनल, फाइनल लेवल पे आपको सिखाया जाएगा हर चीज का एनालिसिस, कि एप्लीकेशन करने के बाद आप क्या उसका एनालिसिस लेके आते हो, आप कैसे उसकी रिपोर्टिंग करते हो, और कैसे आप डिसीजन मेकिंग करते हो, क्योंकि एंड में आपको बिजनेस में जाकर डिसीजंस लेने हैं। ठीक है जी, तो ये तीन स्टेज होती है। इन तीन स्टेज के बीच में, इन तीन स्टेज के, इन दो स्टेज के बीच में बेसिकली मैं कह सकता हूं कि इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच में आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज रहती है, दैट इज योर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, जो आपके सीए बनने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखिए अगर आपने ये तीन चीजें क्लियर कर ली, फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल, किताबी चीजें आपने क्लियर कर ली, एकेडमिक्स आपके स्ट्रांग गए, लेकिन आपने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग नहीं की, तो सर सीए करने का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ आपको। सिर्फ आप एकेडमिकली तो स्ट्रांग है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, कोई जॉब नहीं मिलेगी, कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, कुछ काम नहीं कर पाओगे, सिर्फ एक डिग्री हाथ में लेके घूमते रहोगे जिंदगी भर। लेकिन अगर आपने फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, एक आधा टाइम रह भी जाता है, दिक्कत परेशानी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, एक आधा टाइम रहने के बाद भी आपने अगर ये तीनों एग्जाम निकाल लिए, साथ में आपकी आर्टिकलशिप परफेक्टली स्ट्रांग थी, आपने बहुत अच्छे से काम सीखा, तो सर आपको अच्छे से अच्छी जॉब मिलेगी, आप अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे, यू विल बी अ ग्रेट चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर मैं भी फाइनल लेवल में 2 बार फेल हो चुका हूं, सीरियसली झूठ नहीं बोलता, फाइनल लेवल में मैं भी 2 बार फेल हो चुका हूं, फिर भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि सर मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे नॉलेज है, मैंने फाउंडेशन लेवल में मेहनत करी, इंटर में भी मेहनत करी, फाइनल पे भी मेहनत करी। ठीक है कुछ दिक्कत थी, कुछ कभी कोई सब्जेक्ट अटकता था, कभी कोई सब्जेक्ट अटकता था, इस वजह से मैं 2 बार रह भी गया, लेकिन मैंने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करी, बहुत सीरियसली मैंने अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करी, तो आज उस नॉलेज के बेस में मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूं, मैं सीए कोर्स को पढ़ा सकता हूं। ठीक है जी, तो दीज थ्री आर द स्टेजेस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स इंक्लूडिंग योर आर्टिकलशिप। ठीक है, बाकी इस बीच में कई सारे छोटे मोटे कोर्स भी इंस्टीट्यूट अब देता है, कि जैसे आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग करनी होती है, कुछ ओरिएंटेशन करनी होती है, ये सब चीजों को मैं इतने डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, वो आप सीए के इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर प्रोस्पेक्टस पे चेक कर सकते हो। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि सर कैसे रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, क्या उसका ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, उन चीजों के लिए सर मैं, अगर आप कहोगे आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर इज योर, मैं आपको यहां नीचे लिख के देता हूं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9717175748, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो सर ये कॉल नंबर भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं, यू कैन कॉल एज वेल एज व्हाट्सएप, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर बाय चांस कॉल में ना उठा पाऊं, सर कई सारे काम होते हैं, बाय चांस अगर मैं बिजी हूं कॉल नहीं उठा पा रहा, तो यू कैन व्हाट्सएप मी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा।
कोई भी अगर आपको रजिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेरी आती है कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, सीए कोर्स में इंस्टीट्यूट में फॉर्म्स कहां पर मिलेंगे, ये सब चीजों की अगर मुझे कॉमन क्वेरी लगेगी तो मैं काम करूंगा, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाकर एक डेमो सी वीडियो बनाकर डाल दूंगा, सो दैट आप इजिली उसको कर पाओगे। वैसे आपको यूट्यूब पे कई सारी वीडियोज मिल जाएंगी, आप इजिली सर्च करके रजिस्ट्रेशन अपना करवा भी सकते हो। एक मेरी ईमेल आईडी भी, अगर आपको कोई डाउट आता है, अगर आप मेरा फोन वोन आप ना कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप ईमेल भी कर सकते हो। माई ईमेल आईडी इज CA1Jan91@gmail.com। ठीक है जी, ये मेरी ईमेल आईडी है, आप यहां पर भी मुझे मेल करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है जी, तो ये मेरी कुछ पर्सनल डिटेल्स थी। मेरा नाम अगर दोबारा मैं आपको लिख देता हूं आपके सामने, CA वरुण जैन। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत परेशानी है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्लियर है जी, तो ये तो हमारी कुछ बेसिक चीजें थी। अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। माय सब्जेक्ट इज सीए फाउंडेशन पेपर 1। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 1, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम शॉर्ट में अकाउंट्स भी कह सकते हैं, और अकाउंट्स ही बोलेंगे, खैर है कुछ नहीं अकाउंट्स ही है, लेकिन उसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि यहाँ पर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल सीखने हैं, प्लस कई सारी चीजें प्रैक्टिस, कई सारी चीजें एप्लीकेशन, कई नए नए कंसेप्ट आप लोगों को यहां पर सीखने हैं। ठीक है जी, अब ये जो पेपर रहता है ये आपका पेपर 100 मार्क्स का पेपर आएगा आपका। दिस इज टोटली सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव समझते हो, सब्जेक्टिव मीन्स आपको इसमें लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मैं आपकी क्लैरिटी के लिए बता दूं, सीए फाउंडेशन में आपके 4 पेपर है टोटल। पेपर नंबर 1 अकाउंट्स, पेपर नंबर 2 लॉ एंड इंग्लिश, पेपर नंबर 3 आपका रहेगा इकोनॉमिक्स, एंड पेपर नंबर 4 इज योर मैथमेटिक्स। ये 3 4 देख लेना, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो लॉ अपना अकाउंट्स एंड लॉ, ये दोनों पेपर इंक्लूडिंग इंग्लिश आल्सो, अकाउंट्स लॉ एंड इंग्लिश, क्योंकि लॉ एंड इंग्लिश एक ही पेपर माना जाता है। तो ये दोनों पेपर है, पेपर 1 और 2, ये आपके टोटली सब्जेक्टिव पेपर है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा सारी चीजें। और पेपर नंबर 3 एंड 4 दैट इज योर इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज है। एमसीक्यू मतलब 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आपको टिक करना पड़ेगा। लेकिन पेपर 3 4 में जो एमसीक्यू है उसमें एक दिक्कत क्या है कि हर गलत आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। सर इसका मतलब क्या हुआ, मान लो अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, 4 क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, तो सर 4 क्वेश्चन रॉन्ग होने पे आपके कितने नंबर कटेंगे, 4 नंबर तो कटेंगे कटेंगे, प्लस हर क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा, यानी कि 4 क्वेश्चन पे अगर मैं 0.25 बोलूं तो एक, तो कुल मिला के आपको 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपके इंस्टीट्यूट 5 नंबर काट लेगा। 4 क्वेश्चन गलत होने पर इंस्टीट्यूट आपके 5 नंबर काट लेगा, ये होता है आपकी नेगेटिव मार्किंग। लेकिन ये आपका अकाउंट इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के पेपर में अप्लाई होती है, अकाउंट्स में अप्लाई नहीं होगी। ठीक है जी, इस सब्जेक्ट को हम नॉलेज के लिए तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हमें हर चीज की नॉलेज तो लेनी ही लेनी है, क्योंकि नॉलेज लोगे तो आप चीजें कर पाओगे, आगे आगे जाके बहुत सारा काम आप लोगों को करना है। लेकिन नॉलेज के साथ साथ हमें एग्जामिनेशन अप्रोच को भी ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन अप्रोच, क्योंकि सर एट द एंड मुझे पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ एग्जाम क्लियर करवाना भी है, एग्जामिनेशन अप्रोच को भी ध्यान में रखना है। और सर एक चीज ध्यान रखना, अगर आप चाहो, अगर आप मेहनत अच्छे से करो तो इस सब्जेक्ट में यू कैन इजीली स्कोर 90+। दिल से बोल रहा हूं बच्चों ये बात, क्योंकि मैंने ये चीजें देखी हैं। 90+ आप बड़ी आराम से इस सब्जेक्ट में लेकर आ सकते हो। मेरा एक स्टूडेंट है, वो अकाउंट्स में मेरा अभी तक जो हाईएस्ट स्कोर गया है, वो मेरा एक स्टूडेंट था जिसका नाम था मानव बिंदल, उसके 99 मार्क्स आए थे अकाउंट्स में नवंबर 2019 अटेम्प्ट में। नवंबर 2019 में उसने एग्जाम दिया था, ही हैज स्कोर्ड 99 मार्क्स, ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स इन अकाउंट्स। और 90+ की तो भरमार है, बहुत सारे बच्चों के 90+ हैं। करना क्या है, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं, जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा, उस बातों को चुपचाप चुपचाप फॉलो करते चले जाना।
अगर आपने आंख बंद करके मेरे पे भरोसा कर लिया तो सर 90+ की जो डगर है ये आप लोगों को सामने दिखाई देगी और इजीली दिखाई देगी, बहुत ज्यादा कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। और यही एक ऐसा पेपर है जिसमें आप 90+ लेकर आ सकते हो, ये भी मेरे से लिखवा लेना। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी पेपर स्कोरिंग नहीं होते। देखिए अगला जो पेपर आपका वो लॉ रहता है, लॉ में आप जितना मर्जी अच्छा कर लो लेकिन सर 90+ तो नहीं आ सकते, थ्योरिटिकल पेपर है। हद से ज्यादा आपका सर 80+ तक मार्क्स, 80 मार्क्स तक चला जाएगा अगर आपने बहुत अच्छा पेपर किया है तो, 80 मार्क्स तक चला जाएगा। लेकिन मैं मुझे पता है कि कई बच्चों की इंग्लिश भी स्ट्रांग नहीं होती है क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से भी पढ़े हुए हैं, लेकिन अकाउंट सबका सर हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम हो अकाउंट तो सबके लिए सेम है। तो मैं कहता हूं कि लॉ में इतनी इजीली स्कोर, इतना स्कोर करना इजी नहीं होता। अगले दो पेपर इकोनॉमिक्स और मैथ्स, सर इकोनॉमिक्स और मैथ्स, इकोनॉमिक्स में भी स्कोर हो सकता है लेकिन मैथ्स में भी स्कोर हो सकता है, लेकिन दोनों में दिक्कत क्या है, दोनों में वो नेगेटिव मार्किंग जो है ना वो बड़ी परेशान कर दिया है। हर गलत होने पे 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, उस वजह से 90+ स्कोर कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो पेपर है अकाउंट्स का, इसको अगर आपने लॉजिकली, लॉजिकली एंड 100% लॉजिकली विद कंसेप्ट्स, कंसेप्ट्स पे अगर आपने ध्यान दे दिया तो 90+ लाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं हमेशा अपने बच्चों को ये चीज बोलता हूं कि बच्चों कंसेप्ट पे ध्यान दो, हर चीज के आपको कंसेप्ट में जाना पड़ेगा। जितना डिटेल में, जितना डीप में आप कंसेप्ट में चले गए आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। कंसेप्ट आप अच्छे से कर लो लेकिन क्वेश्चन आप कम कर लो कोई परेशानी नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट को हिला दिया, कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्वेश्चन की आपने दुनिया भर की प्रैक्टिस करी है, तो सर प्रोफेशनल कोर्स में ये चीज नहीं चल पाएगी। 11th 12th में चल जाती थी, बीकॉम लेवल तक चल जाती थी, क्योंकि 11th 12th में बीकॉम लेवल में हम अगर कंसेप्ट को थोड़ा सा हल्का भी रख ले लेकिन हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी हुई है तो उन्हीं पैटर्न पे बेस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन सर प्रोफेशनल कोर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, प्रोफेशनल कोर्स में तो बच्चे आपको कंसेप्ट पे ही सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं पता इंस्टीट्यूट कैसा बनाएगा। तरीका मैं आप लोगों को बता सकता हूं लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा इसका तो मैं भी कोई श्योरिटी नहीं दे सकता, उसके लिए हमें कंसेप्ट पे ही 100% ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है जी? ओके, तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा। ये किस तरीके से इंस्टीट्यूट इसको डिवाइड करता है, देखिए इंस्टीट्यूट आपको टोटल 6 क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, ये आपका क्या है जी, कंपलसरी क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है कंपलसरी, जो कि आपको करना ही करना है, करना ही करना है। और बाकी जो 5 क्वेश्चन है इन 5 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं 20 नंबर के। कहने का मतलब है 120 नंबर का टोटल पेपर आता है, उसमें से आपको 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है। किस तरीके से? क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी अब आपको करना ही करना है और बाकी जो 5 क्वेश्चन है उन 5 में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं 20 20 नंबर के। अब क्या सर 20 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा? सर 20 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं बहुत ही रेयर, बहुत ही कम चांस होते हैं। ज्यादातर इंस्टीट्यूट ये 20 नंबर के क्वेश्चन में 10 10 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है, 12 और 8 के पूछ सकता है, 10 6 4 के पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट इसको 2 3 4 क्वेश्चंस में डिवाइड कर सकता है। 20 नंबर का सिंगल क्वेश्चन पूछना बहुत कम चांस होते हैं, अनलेस वो अगर 2 3 कॉन्सेप्ट्स को, 2 3 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन ना पूछ ले तो। ठीक है जी, और जो कंपलसरी क्वेश्चन देता है उस कंपलसरी क्वेश्चन में सर ये सेट पैटर्न है, कंपलसरी क्वेश्चन में आपको इंस्टीट्यूट जो पूछेगा वो पूछेगा पहला पार्ट ट्रू फॉल्स जो कि 12 नंबर के रहेंगे। सर ट्रू फॉल्स में इंस्टीट्यूट सारे कंसेप्ट टेस्ट कर लेता है बच्चे के कि कितना कंसेप्चुअली आप लोगों ने चीजों को पढ़ा है। उसके बाद एक आपका थ्योरी क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 4 नंबर का और एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा पहले ही क्वेश्चन में 4 नंबर का। अब बात आती है सर थ्योरी कितने मार्क्स की आती है, देखिए ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है थ्योरी कितने मार्क्स की आएगी, लेकिन ये 4 नंबर का क्वेश्चन, ये वाला जो 4 नंबर का क्वेश्चन है ये तो आपको थ्योरी में पूछा जाएगा ही जाएगा और यहां पर भी ट्रू फॉल्स में भी थ्योरी के कंसेप्ट आ सकते हैं और इनमें से भी थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसे इस चीज का कोई सेट पैटर्न नहीं बताया इंस्टीट्यूट ने। ठीक है जी, बोलिए बच्चे। ओके, अब हम आते हैं अपने कोर्स की तरफ। ये तो आपका पेपर पैटर्न है क्योंकि एग्जामिनेशन अप्रोच को भी हमें ध्यान में रखना है कि पेपर पैटर्न किस तरीके आएगा आएगा, तो ये हमारा पेपर पैटर्न था। अब आते हैं सर क्या क्या हमारे पास कंटेंट्स हैं इसमें, वो कंटेंट्स देखते हैं। आइए, तो अब हम कोर्स कंटेंट की तरफ जाते हैं। तो हाँ जी, देखिए जी,
कोर्स कंटेंट आपका क्या है, क्या क्या आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखिए अकाउंट्स का जो पेपर है वो आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा, 12th क्लास में भी पढ़ा, बीकॉम लेवल पे भी पढ़ा। किसी ने अगर बीकॉम अभी नहीं किया तो 11th 12th में आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है। कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने अकाउंट्स अभी तक नहीं पढ़ा, क्योंकि कुछ साइंस साइड के भी बच्चे हो सकते हैं। देखिए साइंस स्ट्रीम के भी बच्चे सीए ऑप्ट करते हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी आराम से सीए कर सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान में रखना, मैं बिल्कुल बेस लेवल से ही पढ़ाऊंगा आपको। मैं यही मान के चलूंगा कि आपको अकाउंट्स नहीं आता, बिल्कुल बेस तरीके से आपको समझाता चला जाऊंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने 11th 12th में अकाउंट्स नहीं पढ़ा तो तब भी आपका हो सकता है, ठीक है जी। तो कोर्स कंटेंट आपके कुछ टॉपिक्स 11th के हैं, कुछ 12th के हैं और कुछ नए टॉपिक्स भी हैं। तो अगर मैं 11th क्लास की बात करूं तो 11th से इन्होंने क्या क्या टॉपिक को उठाया, देखिए 11th में आप लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे, अकाउंटिंग थ्योरी के नाम से कुछ पढ़ा होगा, बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स में आप लोगों ने अकाउंटिंग थ्योरी पढ़ी, जर्नल पढ़ा होगा, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये सब चीजें आपने 11th क्लास में पढ़ी, तो ये आपके कोर्स में है। उसके बाद आपके पास है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS, ये भी आपके कोर्स में। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बाद आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद आपके पास आएगा 11th क्लास से फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था, तो वो भी आप लोगों के 11th क्लास से उठाया गया है, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है जी। उसके बाद बात करें अगर हम 12th क्लास के टॉपिक्स की, तो 12th क्लास के टॉपिक से आपके पास क्या क्या आया, यू गॉट पार्टनरशिप। आप लोगों ने 12th क्लास में पार्टनरशिप पढ़ी होगी अच्छे से, कई कई क्वेश्चंस करे होंगे पार्टनरशिप। लेकिन मजे की बात क्या है, यहां पर आपका डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, फाउंडेशन लेवल पे डिसोल्यूशन नहीं है, वो इंटरमीडिएट पे है और डिटेल में। फाउंडेशन लेवल पे आपका टिल डेथ तक का आपका कॉन्सेप्ट है, डेथ इंक्लूडिंग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, JLP का कॉन्सेप्ट, यानी कि एडमिशन रिटायरमेंट डेथ टिल JLP, ये सब चीज आप लोगों को पढ़नी है। उसके बाद आपने NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO, ये पढ़ा आप लोगों ने, ये भी 12th क्लास का कंसेप्ट है। देन कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स में हम लोगों के पास है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में भी आपके पास है, डिबेंचर्स का काम करता हूं को लिखते हैं हम, जो डिबेंचर्स का आपका टॉपिक है वो ही लिखेंगे हम यहां पर, दैट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सिर्फ इश्यू है आपके पास, रिडेम्पशन नहीं है। 12th क्लास में आपने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी पढ़ा होगा, लेकिन फाउंडेशन लेवल पे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं है, वो आपका सीए इंटरमीडिएट लेवल में आएगा डिटेल में। ओके वन सेकंड, हाँ जी। उसके बाद कुछ आपके न्यू टॉपिक्स भी हैं, न्यू टॉपिक्स में आपके पास है इन्वेंट्री, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट। हाँ जी, ये आपके कुछ नए टॉपिक्स हैं जो आज तक आपने पढ़े नहीं होंगे, तो
ये भी आपको करके चलने हैं, ठीक है जी। दिस इज योर कोर्स कंटेंट, ये आपका है जी कोर्स कंटेंट। अब मैं इसकी वेटेज पे आता हूं कि इंस्टीट्यूट के हिसाब से, इंस्टीट्यूट के हिसाब से इनकी क्या वेटेज है सर, क्या इंस्टीट्यूट की वेटेज सही होती है? देखिए सर, गलत कुछ नहीं होती है, सही होती है, पूछने का तरीका अलग होता है, ठीक है जी। तो वेटेज हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ने जो वेटेज दिया हमें उसको फॉलो करना है, कोई दिक्कत नहीं है सर, फॉलो करेंगे। देखो जो बेसिक कंसेप्ट वाला आपका टॉपिक है, ये जो बेसिक कंसेप्ट है इसकी जो वेटेज एज पर इंस्टीट्यूट है वो रहेगी सर 10 से 15 मार्क्स, 10 to 15 मार्क्स के बेसिक कंसेप्ट आएंगे, जिसमें थ्योरी, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, रेक्टिफिकेशन अवेयरनेस, ये सब मिला के 10 से 15 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके जो टॉपिक्स आते हैं लाइक बीआरएस, डेप्रिसिएशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये तीन टॉपिक की बीआरएस, डेप्रिसिएशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन तीनों की वेटेज रहेगी आपकी 15 to 20 मार्क्स, 15 से 20 नंबर के ये तीन टॉपिक हैं आपके, बीआरएस, डेप्रिसिएशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद आपका फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप एंड एनपीओ, देखिए इन तीनों की कंबाइंड वेटेज है इंस्टीट्यूट में, तो कह सकता हूं मैं इसको एरे लिख देता हूं, ये आपका फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप एंड एनपीओ, इन तीनों की वेटेज सबसे ज्यादा है, दैट इज योर 30 to 40 मार्क्स। कहने का मतलब है कि तीनों में से बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, और ये जो मैं वेटेज बता रहा हूं वो एज पर 120 नंबर बता रहा हूं, याद है ना ऊपर मैंने बताया था आपको कि 120 नंबर का पेपर आएगा जिसमें से 100 का अटेम्प्ट करना है और 100 का एक तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। तो वे वेटेज उस हिसाब से है। उसके बाद कंपनी अकाउंट्स की वेटेज आपकी 10 to 15 मार्क्स, जिसमें आपके शेयर कैपिटल और डिबेंचर का क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद आपका आता है जी न्यू टॉपिक्स, जो आपके न्यू टॉपिक्स हैं इन न्यू टॉपिक्स की वेटेज आपकी 25 से 30 मार्क्स, 25 से 30 नंबर के आपके नए टॉपिक्स हैं जो आपके न्यूली इंसर्टेड है, जिसको आज तक आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपका कोर्स कंटेंट है अलोंग विद वेटेज। अब बात आती है कि सर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, देखिए मैं आपको सबसे पहले कुछ ऐसे टॉपिक कराऊंगा जिसका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, अकाउंट्स में कुछ ऐसे टॉपिक भी है जिनका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल सर, दो टॉपिक ऐसे हैं जिनका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, जिसका नाम है एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट। ये दो टॉपिक ऐसे हैं इसमें सिर्फ ओनली एंड ओनली इंटरेस्ट कैलकुलेशन, डेट कैलकुलेशन, अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। देखिए एवरेज ड्यू डेट में तो बिल्कुल ही लेना देना नहीं है, अकाउंट करंट में फिर भी थोड़ा बहुत होता है, तो इसलिए मैं एवरेज ड्यू डेट सबसे पहले पिक कर लूंगा, जिसमें आपकी डेट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको समझ में आएगी, उसी को यूज करेंगे हम अकाउंट करंट में। ये दोनों चैप्टर्स आपको करने हैं। और अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपका सेल ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल बेसिस, ये जो तीन टॉपिक रहते हैं अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट एंड सेल ऑफ गुड्स, इन तीनों में से आपके दो क्वेश्चन 5-5 नंबर के कंफर्म होते हैं, इन तीन में से दो क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे 5-5 नंबर के, और छोटे छोटे चैप्टर है, आसान आसान से चैप्टर है। तो पहले हम इन तीन पे ग्रुप बनाएंगे। देखिए मेरा जो टारगेट है ना सर, वो ये है कि सर मैं आपको जो न्यू टॉपिक्स है इन न्यू टॉपिक्स को पहले करा दूं। इन न्यू टॉपिक्स में भी देखो मजे वाली बात है, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट ये तो अलग एस्पेक्ट, अलग एरिया के टॉपिक हो गए, ये मैंने आपको करा दिए, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस क्या है, एक कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, 5 नंबर का, क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। ये जो कंसेप्ट है ये आपका कई जगह पर यूज होगा, ये आपका फाइनल अकाउंट्स में यूज होगा, इन्वेंटरी में यूज होगा, कंसाइनमेंट में यूज होगा, ठीक है जी। तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस कराने के बाद उसके बाद मैं आपको इन्वेंटरी एंड कंसाइनमेंट कराऊंगा, ये दोनों चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है, तो आपको मजा आएगा। एक बार न्यू टॉपिक्स आपके कवर हो गए, ये 5 चैप्टर कवर हो गए सर, अलग कर दीजिएगा, 25 से 30 नंबर आपके कंफर्म है। और सबसे ज्यादा बच्चे परेशान भी इन्हीं चैप्टर में हो जाते हैं, इन्वेंटरी कंसाइनमेंट, इन्वेंटरी कंसाइनमेंट, और सर आप देखिएगा बहुत बेहद आसान चैप्टर है, ठीक है जी। चलिए फिर सर क्या आज वाली क्लास में ही आप कराओगे? देखिए आज वाली क्लास में आपको मैं एक बेसिक चीजें बताऊंगा अकाउंटिंग के बारे में, कि अकाउंटिंग क्या होती है, क्योंकि सर कुछ भी पढ़ने से पहले हमें यह तो बताओ कि हमारा रोड मैप क्या है, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, तो हम सबसे पहले जानेंगे अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है जी। तो बाकी जो बेसिक चीजें हैं कि अकाउंटिंग थ्योरी वगैरह वो सब मैं आपको बाद में कराऊंगा, लेकिन एक छोटी सी चीज जानेंगे, व्हाट इज अकाउंटिंग,
क्या अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, दैट्स इट, फिर हम अपने चैप्टर पे आएंगे। तो मुझे बताइए, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में पूछूं व्हाट इज अकाउंटिंग, कोई मैं बुकिश डेफिनेशन नहीं पूछ रहा आपसे, सिंपल पूछा मैंने व्हाट इज अकाउंटिंग, सर अकाउंटिंग क्या है। देखिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि सर हिसाब किताब, सुना होगा वर्ड कि हिसाब किताब, कि भैया हिसाब किताब मेंटेन कर लो, आपके घर वाले भी, आपके पेरेंट्स भी हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। पता है कैसे? आपके पेरेंट्स हर महीने कुछ ना कुछ इनकम अर्न करते हैं, आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, या तो दोनों वर्किंग होते हैं या कोई सिंगल पर्सन वर्किंग होता है, या तो जॉब में होते हैं या बिजनेस में होते हैं, तो इनकम तो अर्न करते ही है। वो इनकम हो सकती है किसी भी फॉर्म में, मैं मान के चलता हूं वो इनकम है 1 लाख रुपए की, कि आपके घर में 1 लाख रुपए की हर महीने की कमाई आती है, इनकम आती है, पैसा आता है 1 लाख रुपए। अब उस 1 लाख रुपए का क्या होता है सर? अब उस 1 लाख रुपए पे घर में खर्चे होते हैं। घर में खर्चे किस तरीके के होते हैं सर? फीस पे करनी है स्कूल की, कोई रेंट है तो रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, वाटर का बिल पे करना है, कुछ मिसलेनियस खर्चे करने हैं, कुछ फूड वगैरह पे खर्चा करना है, राशन वगैरह पे खर्चा करना है, दूध वाले का खर्चा करना है, और अपना लॉन्ड्री वाले का, प्रेस वाले का खर्चा करना है। मतलब इस तरीके के कई सारे खर्चे होते हैं। मुझे बताओ घर में एक जना या तो फादर होंगे या मदर होंगे, वो कोई ना कोई एक जना तो इन सब चीजों का हिसाब किताब मेंटेन करता होगा कि भैया किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, फीस है फीस कितनी पे करनी है, रेंट कितना पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पे करना है, फूड वाले को कितना पे कर दिया, दूध वाले को कितना पे कर दिया। तो सर ये क्या होता है, ये सब आपने क्या करा, हिसाब किताब मेंटेन किया। टेक्निकली देखा जाए तो आप इन चीजों को क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स इन चीजों को लिख कर रखते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं। जैसे ही चीजें रिकॉर्ड हो गई, जैसे ही चीजें रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई, इसका मतलब वो अकाउंटिंग शुरू हो गई, हिसाब किताब बनना शुरू हो गया। वंस द आइटम्स आर रिकॉर्डेड एनीवेयर, कहीं मत लिखो, मतलब कहीं भी लिख दो, किसी भी पेपर पे लिख दो, कोरे कागज पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने हिसाब किताब लिखना शुरू कर दिया, अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। पुराने जमाने में तो मैनुअली बिजनेसमैन भी क्या करता था, मैनुअली हिसाब किताब लिखता था, लेकिन आजकल तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए हैं, टैली हो गया, बिजी हो गया, सैप्स हो गया, और कई सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, तो उन्हीं के थ्रू ही रिटर्न सारी चीजें लिखी जाती हैं। लेकिन फिर भी आज भी घर में अगर कोई हिसाब किताब मेंटेन करता है तो वो लिख कर ही करता होगा। मान के चलते हैं कि इन सब चीजों में 60,000 रुपए का क्या आ गया, एक्सपेंस हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो 40,000 रुपए थे, ये जो 40,000 रुपए थे, ये क्या हो गया, ये बच गए, जिसे बोलते हैं सेफ। अब इस 40,000 रुपए का क्या करते हैं जी घर वाले, बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कुछ गोल्ड खरीद लेते हैं, कुछ एफडी करा देते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। इस 40,000 रुपए को क्या करते हैं सर, बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, सेव कर लेते हैं। मुझे बताओ ये 40,000 रुपए कैसे निकल के आए, ये निकल के आए कि सर 1 लाख रुपए की अगर मेरे पास इनकम हुई थी, अगर मैं उस इनकम में से 60,000 रुपए के एक्सपेंसिस को माइनस कर दूं तो मेरी 40,000 रुपए का प्रॉफिट आ जाता है, मेरा 40,000 रुपए का मुनाफा आ जाता है, सेविंग आ जाती है। और ये तभी पता लगा जब आपने इन सब चीजों को रिकॉर्ड किया, इन सब चीजों को रिकॉर्ड किया मतलब इन सब चीजों को लिखा। अगर आप नहीं लिखते, अगर आप कोई भी हिसाब किताब मेंटेन नहीं करते, सर पता ही नहीं होता कितना खर्चा हो रहा है, और ना ये पता लगता है कि एंड में कितना बच रहा है। लेकिन इस तरीके से आपको पता लग सकता है कि हर महीने में लगभग लगभग 40,000 रुपए बचा सकता हूं, क्योंकि आपको खर्चों के बारे में लगभग चीजें पता है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर अकाउंटिंग, यही तो अकाउंटिंग है। वंस द थिंग्स आर रिकॉर्डेड, क्लासिफाई, समराइज, आपने क्या करा जी, अकाउंटिंग करनी स्टार्ट कर दी। क्या सर अकाउंटिंग यहां पर खत्म हो जाती है, 40,000 रुपए जो बैंक में डिपॉजिट करते क्या खत्म होगी? नहीं सर, अकाउंटिंग यहां खत्म नहीं होती है, अकाउंटिंग एंड होती है कम्युनिकेशन पे, कि भाई जिसके लिए ये सब चीजें कर रहे हो उसका क्या ओपिनियन है। अगर उसको लगता है कि भी 40,000 रुपए मैं सही बचा रहा हूं तो ठीक है, अगर उसको लगता है कि 40,000 रुपए से ज्यादा बचा सकता हूं तो वो क्या करेगा, वो इन खर्चों पे लगाम लगाएगा, इन खर्चों को कंट्रोल करना शुरू करेगा। ठीक है जी, दिस इज योर अकाउंटिंग इन सिंपल लैंग्वेज। अब मैं अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे आऊं तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखिए क्या कहती है, लिखो, अकाउंटिंग is an art of recording, classifying,
एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. अब देखो ये डेफिनेशन क्या कहती है. वो कहता है अकाउंटिंग क्या है. अकाउंटिंग एक आर्ट है. किस चीज की आर्ट है. रिकॉर्ड करना. रिकॉर्ड मतलब होता है सर लिखना. रिकॉर्ड मीन्स लिख लेना. रिकॉर्ड करके उसको क्लासिफाई भी करना होता है. क्लासिफाई करने का मतलब होता है उसको डिवाइड करना ऑन इट्स नेचर, और डिवाइड करने के बाद उसकी एक समरी तैयार कर लेना. उसको क्या करना पड़ेगा, आपको शॉर्ट करना पड़ेगा. एक समरी तैयार कर ली. जैसे चीजों को लिखा, लिखने के बाद भाई कई सारी चीजें आपने लिख ली, जो जो एक नेचर की चीज है उनको आपने एक तरीके पर डाल दिया, और बाद में आपने क्या करा, एक समरी तैयार कर ली. तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. सिग्निफिकेंट मैनर मतलब एक सर तरीके से, प्रॉपर तरीके से. प्रॉपर तरीके से यहां से मतलब होता है डेट वाइज. देखिए जो चीज पहले आपने करी, दिन में जो काम पहले आपने किया वो आप पहले लिखोगे, जो बाद में किया वो बाद में लिखोगे. दिस इज नोन एज सिग्निफिकेंट मैनर एक तरीके से. एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की फॉर्म में जरूर होना चाहिए. मान लो अगर किसी चीज में मनी ही इन्वॉल्व नहीं है तो हिसाब किताब किस बात का. अगर पैसा ही इन्वॉल्व नहीं है तो हिसाब किताब किस बात का. तो मॉनिटरी टर्म्स इन्वॉल्व होनी जरूरी है, मनी इन्वॉल्व होनी जरूरी है. और ये सब चीजें किसके लिए करनी है. ये सब चीजें करनी है हमें ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स के लिए. मतलब लिखना है, क्लासिफाई समराइजिंग, ये सब किसको करना है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स. तो दो टर्म मेरे सामने निकल के आ गई, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स. अभी आता हूं मैं ट्रांजेक्शन और इवेंट्स पे. विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर. भैया उन ट्रांजेक्शन और इवेंट्स का फाइनेंशियल करेक्टर होना चाहिए, मतलब वो फाइनेंशियली होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हो जो नॉन फाइनेंशियल करेक्टर की हो. नॉन फाइनेंशियल करेक्टर की वो ट्रांजेक्शन हो तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और अंत में उसके रिजल्ट्स को भी इंटरप्रेट करना पड़ेगा, तभी आपकी अकाउंटिंग कंप्लीट मानी जाती है. अगर आपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट नहीं किया देन योर अकाउंटिंग इज इनकम्प्लीट. ठीक है जी. अब टर्म आती है हमारे सामने, ट्रांजेक्शन क्या है और ये इवेंट क्या है. देखिए ट्रांजेक्शन मीन्स एनी एक्टिविटी इन द बिजनेस. बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी हो जाना, बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी हो जाना, ये आपकी क्या रहती है, ट्रांजेक्शन रहती है. जैसे कि गुड्स को खरीदा, परचेज ऑफ गुड्स, ये ट्रांजेक्शन है. गुड्स को बेचा, सेल ऑफ गुड्स, ये भी एक ट्रांजेक्शन है. रेंट को पे किया, रेंट पेड, ये भी एक ट्रांजेक्शन है. इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये भी एक ट्रांजेक्शन है. तो ये सब क्या है, आपकी ट्रांजेक्शन. मतलब बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी हो जाना एक ट्रांजेक्शन होती है. अब बात आता है सर, आपने बताया था ट्रांजेक्शन वही होनी चाहिए जिनका फाइनेंशियल करेक्टर हो, वही अकाउंटिंग में आएगी. जैसे कि आपने अपने इंप्लॉयज को अप्रिशिएट किया, इंप्लॉयज ने काम अच्छा किया और आपने उनकी अप्रिसिएशन कर दी. मुझे बताओ क्या अप्रिसिएशन करना एक ट्रांजेक्शन है. सोच के बताओ, क्या इंप्लॉयज को अप्रिशिएट करना इज अ ट्रांजेक्शन और नॉट. आंसर इज इट इज अ ट्रांजेक्शन. इंप्लॉयज को अप्रिशिएट करना भी एक ट्रांजेक्शन है, भले ही उसमें पैसा इन्वॉल्व हो या ना हो, वो ट्रांजेक्शन है. लेकिन वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं हो सकती. क्यों रिकॉर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि उनका फाइनेंशियल करेक्टर नहीं है. फाइनेंशियल करेक्टर नहीं है मतलब मॉनिटरी टर्म्स है ही नहीं, तो रिकॉर्ड कैसे करोगे.
अब अप्रिशिएट करने के बाद हमने उन एम्प्लॉयज को बोनस पे किया। अब वो बोनस वाली ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड हो सकती है क्योंकि उसमें अमाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। इवेंट क्या रहता है? इवेंट मींस आउटकम ऑफ ट्रांजेक्शंस, आउटकम ऑफ ट्रांजेक्शन कि भैया ट्रांजेक्शंस की वजह से क्या आपका रिजल्ट निकलता है, आउटकम निकलता है, मुझे बताओ। पैसा आएगा, खरीदोगे बेचोगे, तो उससे क्या आपका रिजल्ट निकल के आ सकता है? फायदा नुकसान, प्रॉफिट लॉस। तो वो प्रॉफिट लॉस क्या है? आपका इवेंट है। और एक इवेंट आपका क्लोजिंग स्टॉक भी निकल कर आ सकता है, एक इवेंट आपका, एक सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक भी निकल कर आ सकता है। अब बात आती है सर, ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है? देखो जी, इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। देखो, हमने परचेज किया लेट अस से 10,000 kg मटेरियल, और हमने सेल करी कितना? सेल कर हमने 8,000 kg मटेरियल। मुझे बताओ, मुझे बताओ, आप प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालोगे? सर, सेल में से परचेज माइनस कर दो तो प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। क्या आपने पूरा का पूरा मटेरियल बेच दिया? सर नहीं, परचेज तो किया था 10,000 लेकिन बेचा 8,000, तो सेल में से आप परचेज कितने केजी मटेरियल की माइनस कर सकते हो? ओनली एंड ओनली 8,000 की। तो आपका यहां पर क्लोजिंग स्टॉक आ गया, कितना क्लोजिंग स्टॉक आ गया? 2,000 kg मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक वो होता है कि जो स्टॉक आपका बिका नहीं। मुझे बताओ, 10,000 में से क्या सारा बिक गया? आंसर इज नो, 2,000 kg नहीं बिका। तो ये आपका एक अलग इवेंट है, ये एक आपका अलग इवेंट है। प्रॉफिट और लॉस निकलना वो एक आपका अलग इवेंट है। अब मैं इसमें आपको एक काम करता हूं, रेट भी देता हूं। मान लो ये आपने परचेज किया था एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर केजी, और ये आपने सेल करी एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर केजी। मुझे बताओ प्रॉफिट और लॉस कितना होगा? प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस परचेज। सेल कितनी होगी सर? 8,000 × 15 माइनस परचेज कितनी करोगे? क्या 10,000 × 10? आंसर इज नो, परचेज भी तो आप 8,000 × 10 ही लोगे। 2,000 क्या है? 2,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। अब आप निकाल सकते हो, तो ये निकल गया 5,40,000 रुपए का आपका प्रॉफिट। तो आपके दो इवेंट निकल के आते हैं, एक तो ये प्रॉफिट और एक आपका क्लोजिंग स्टॉक। दीज आर योर टू इवेंट्स इन दीज टू ट्रांजेक्शन, इन दोनों ट्रांजेक्शन की वजह से। तो क्लियर होती है चीज, ट्रांजेक्शन क्या है और इवेंट क्या है। ओके हाँ जी। अब आता है हमारे सामने अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। सर अकाउंटिंग किस तरीके से काम करती है, क्या उसका एक प्रोसेस है? ध्यान से पढ़ना। देखो अकाउंटिंग की शुरुआत करने से पहले, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई, लिखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। सबसे पहले तो आपको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। सर क्या ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी? आपने तो बताया हर ट्रांजेक्शन एक, हर एक्टिविटी ट्रांजेक्शन है। बिल्कुल सर, एवरी एक्टिविटी ट्रांजेक्शन, लेकिन आपको कौन सी ट्रांजेक्शन चाहिए? मॉनेटरी चाहिए। तो यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई, आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वेदर ट्रांजेक्शन आर मॉनेटरी इन नेचर और नॉट। अगर मॉनेटरी नहीं है तो सर कोई फायदा ही नहीं है, अकाउंटिंग में जा ही नहीं सकती वो चीज। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लो। उसके बाद क्या होगा? आपका अगला स्टेप होगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। आपने ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, ट्रांजेक्शंस को लिखना शुरू कर दिया, लिखना शुरू करा एक सिग्निफिकेंट मैनर में, मतलब डेट वाइज, सिंपल तरीके से क्रोनोलॉजिकल और डेट वाइज। अब बात आती है सर लिखेंगे कहां पर, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कहां करेंगे? देखिए जिन बच्चों ने 11th क्लास में अकाउंटिंग पढ़ी है वो इसका जवाब दे सकते हैं कि सर रिकॉर्डिंग होती है, बोलो किसमें? सर रिकॉर्डिंग होगी जर्नल में। आंसर इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग, एब्सोल्यूटली रॉन्ग। यही आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं।
सर रिकॉर्डिंग कभी भी जर्नल में नहीं होती है, ध्यान देना इस चीज को, अब गांठ बांध लो इस चीज को, हमेशा आपकी से ये चीज पूछूंगा, और फिर अगर गलती होती है सर मुझे बहुत गुस्सा आएगा। फिर देखिए रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजेक्शन की किसमें, सब्सिडरी बुक्स में, रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजेक्शन की सब्सिडरी बुक्स में, सब्सिडरी बुक्स में जर्नल आती है, सब्सिडरी बुक्स में जर्नल आती है। सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या आता है आपके पास, आपके पास परचेज बुक आती है जिसमें परचेज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, क्रेडिट परचेज होंगी, सेल्स बुक आएंगी जिसमें क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होंगी, परचेज रिटर्न बुक आती है, सेल्स रिटर्न बुक आती है, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, कैश बुक, कैश ट्रांजेक्शन के लिए कैश बुक, और बाकी कोई ट्रांजेक्शन बची तो वो आएगी आपकी जर्नल में। तो जर्नल इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किसमें किया जाता है सर, सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, कहीं भी ये चीज यूज हो सकती है, तो ध्यान रखना इस पॉइंट को। रिकॉर्डिंग किसमें होगी बच्चे, सब्सिडरी बुक्स में। रिकॉर्डिंग कर ली उसके बाद आप क्या करोगे, ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, आपने क्लासिफिकेशन कर दी उनकी एज पर इट्स नेचर। क्लासिफिकेशन के लिए आप क्या यूज करते हो, आप क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हो जर्नल रिकॉर्डिंग के बाद लेजर, लेजर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल बुक में क्या आएगा आपके पास, लेजर, ठीक है जी। क्लासिफिकेशन के बाद, आफ्टर क्लासिफिकेशन यू विल डू समराइजिंग, समराइजिंग, समराइजिंग किसमें होगी जी, समराइजिंग होगी आपकी पहले तो ट्रायल बैलेंस में, और फिर उसके साथ साथ हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स। समराइजिंग करके हम एंटिटी के रिजल्ट्स कैलकुलेट करेंगे, हम उसके प्रॉफिट और लॉस देखेंगे, हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे, ठीक है। तो समराइजिंग हो जाएगी। देखिए फाइनल अकाउंट्स में हमारे पास दो स्टेटमेंट आती है, एक होता है प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस फायदा नुकसान देखने के लिए, जिसमें हम बनाते हैं क्या, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, और एक होती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए, क्या देखने के लिए जी, फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, उसके लिए वी विल वी यूज टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, ठीक है जी। तो ये आपकी ट्रांजेक्शन समराइज हो गए। आफ्टर समराइजिंग, समराइज करने के बाद देन यू विल एनालाइज, आप ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना शुरू करोगे। एक ओनर, एक बिजनेसमैन, मालिक क्या करेगा, ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना शुरू करेगा। एनालाइज करने के लिए वो कई सारे टूल्स का यूज करेगा, टूल्स ऑफ एनालिसिस। टूल्स में क्या क्या आता है हमारे पास, टूल्स में हमारे पास आता है रेशियो एनालिसिस, कि भैया रेशियोस कैलकुलेट करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, कंपैरेटिव्स बनाओ, तो ये सब क्या आते हैं, टूल्स फॉर एनालिसिस। तो टूल्स लगा के हमने ट्रांजेक्शन को, अपने रिजल्ट्स को क्या करा जी, एनालाइज कर दिया। एनालिसिस के बाद, एनालाइजिंग के बाद यू हैव टू इंटरप्रेट, आप करोगे इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग में क्या आता है जी, डिसीजन लेना, कि एक मालिक क्या डिसीजन लेता है, बिजनेसमैन क्या डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग। और अंत में आप क्या करोगे, कम्युनिकेट कर दोगे अपने रिजल्ट्स को, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट किसको करोगे सर, कम्युनिकेट करोगे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यूजर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल यूजर, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले यूजर, और एक होता है इंटरनल यूजर, इंटरनल जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज, ओनर्स, ये सब इंटरनल है। एक्सटर्नल में कौन आता है, जिन्होंने पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टर्स, जिन्होंने पैसा उधार पे दे रखा है, मनी लेंडर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सप्लायर्स, जिन्होंने उधार दे रखा है, सप्लायर्स, जिन्होंने गुड्स को खरीद रखा है, कस्टमर्स, ये सब एक्सटर्नल यूजर्स है। तो इन लोगों को सर बिजनेस की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। मुझे बताओ आज आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाओगे तो ऑब्वियसली आप ये जानना चाहोगे ना कि भैया वो कंपनी क्या कर रही है या नहीं कर रही, क्या उसके रिजल्ट है, तो मतलब आपके साथ चीजों को कम्युनिकेट किया जाएगा। क्लियर है जी, बोलिए जी। हाँ जी, हाँ जी, चलो
ये आपका था जी अकाउंटिंग प्रोसेस। तो एक बार दोबारा देखेंगे, सबसे पहले क्या हो गया, ट्रांजेक्शन की आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में मतलब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग किसमें होगी, ध्यान रखना रिकॉर्डिंग किसमें होगी, सब्सिडरी बुक्स में। उसके बाद ट्रांजेक्शन की क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के लिए वी विल यूज प्रिंसिपल बुक दैट इज लेजर। उसके बाद समराइजिंग, समराइजिंग के लिए हम यूज करेंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में दो चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग पी एन एल अकाउंट, और फाइनेंशियल पोजिशन देखने के लिए बैलेंस शीट। उसके बाद होगी एनालाइजिंग, एनालाइजिंग के लिए हम टूल्स फॉर एनालिसिस यूज करते हैं, जिसमें हमारे रेशियोज आते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव्स वगैरह आता है। देन इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग मतलब बिजनेसमैन क्या डिसीजन लेता है, उसकी डिसीजन मेकिंग डिपेंड करती है। देन योर योर कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग मतलब यूजर्स को बताना रिजल्ट्स के बारे में, एक्सटर्नल यूजर एज वेल एज इंटरनल यूजर्स। ठीक है जी, दिस इज योर अकाउंटिंग प्रोसेस। अब बच्चे जो हमारी अकाउंटिंग होती है, जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो पांच चीजों के आगे पीछे घूमती है, वो पांच चीजों के आगे पीछे घूमती है। पांच कौन कौन सी पांच चीजें, वो पांच चीजें हमारे सामने एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। देखिए अकाउंटिंग में कोई भी आइटम आप उठा लो, वो इन पांच चीजों में ही कवर होगी। या तो वो एसेट होगी, या वो लाइबिलिटी होगी, या वो इनकम होगी, या वो एक्सपेंस होगी, या वो कैपिटल होगी। इन पांच चीजों पे ही घूमती है। ठीक है जी, अब आते हैं एक एक चीजों को डिस्कस करते हैं कि एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, ये सब है क्या। ओके, देखो सबसे पहली चीज आपके सामने आती है एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स आर द रिसोर्सेस विच आर, मैं बहुत डिटेल में नहीं लिखवा रहा, एक शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा, रिसोर्सेज विच आर कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज, विच आर कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज विच विल गिव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। हाँ जी, एसेट क्या है, एसेट वो रिसोर्सेज हैं, एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जो कि एंटरप्राइज के कंट्रोल में हैं और जिससे भविष्य में बेनिफिट मिलेगा। वो रिसोर्सेज जो कि एंटरप्राइज के कंट्रोल में हैं और जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। सर क्या कोई ऐसे रिसोर्स भी हो सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में तो है लेकिन फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलेगा? बिल्कुल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक टाइपराइटर खरीद लिया, अभी मेरे को एक कुछ अर्जेंट नीड थी टाइपराइटर की, मैंने टाइपराइटर खरीद लिया, रिसोर्स है मेरे कंट्रोल में है लेकिन मुझे फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो क्या मैं उसे एसेट बोल सकता हूं? आंसर इज नो। तो पहली चीज तो क्या, वो रिसोर्स होना चाहिए। रिसोर्स मतलब टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, वो चीज जिसको हम देख सकते हैं, जिसकी प्रेजेंस, जिसको टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते लेकिन उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर्स, इन सबको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सब हमारे क्या है, टेंजिबल आइटम्स है। गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये सब क्या है, ये सब हमारी इनटेंजिबल आइटम्स है, इनकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है, तो ये इनटेंजिबल आइटम्स है। दूसरी चीज हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि मेरे पास उसकी ओनरशिप हो, ओनरशिप से कंट्रोल नहीं आता। कंट्रोल मतलब मैं उसको अगर इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो मेरे कंट्रोल में है। जैसे कि मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक कार है, और उस कार को मैं चलाता हूं, रोज चलाता हूं, ऑफिस लेके जाता हूं, चलाता हूं, क्या वो मेरा रिसोर्स है? सर टेंजिबल आइटम तो है, रिसोर्स है, क्या वो मेरे कंट्रोल में है? अगर मैं उसे चला रहा हूं, अगर मैं उसे चला रहा हूं, उसकी चाबी मेरे पास रहती है हमेशा, तो वो मेरे कंट्रोल में भी है, लेकिन उस कार की मेरे पास ओनरशिप नहीं है। क्यों ओनरशिप नहीं है? क्योंकि मेरा उस कार के ऊपर एक लोन चल रहा है, मैंने उस कार को लोन पर लिया, तो लोन के केस में ओनरशिप कब आएगी? लोन के केस में तो ओनरशिप तब आएगी ना जब मैं उसकी सारी इंस्टॉलमेंट्स को पे कर दूंगा, उसका सारा लोन उतार दूंगा, उसका सारा उधार उतार दूंगा,
तभी मेरे पास ओनरशिप आएगी। तो जब तक मेरे पास ओनरशिप नहीं आएगी तब तक मैं उसका मालिक नहीं बनूंगा, स्टिल इट इज इन माई कंट्रोल, वो मेरे कंट्रोल में है। और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब वो लंबे समय तक चलेगी, मेरे को बेनिफिट तो मिलेगा मिलेगा। तो क्या वो कार मेरी असेट हो सकती है? आंसर इज एब्सोल्यूटली, आपकी असेट बनेगी। तो एसेट का मतलब क्या हुआ? एसेट मतलब रिसोर्स होने चाहिए, टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं, लेकिन एंटिटी के कंट्रोल में होने चाहिए, एंटिटी के कंट्रोल में होना जरूरी है, भले ही आपके पास ओनरशिप हो या ना हो। सर गुडविल, पेटेंट और कॉपीराइट ये सब कैसे कंट्रोल में आता है? ये सब कंट्रोल में आते हैं अगर आप इनका रजिस्ट्रेशन करा लेते हो। आपने ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन करा ली, आपने अपना कोई ट्रेडमार्क बनाया, कोई लोगो डिजाइन वगैरह बनाया और आपने गवर्नमेंट से रजिस्टर करा लिया उसे, वो आपके कंट्रोल में आ गया, क्योंकि आपके परमिशन के बिना कोई यूज नहीं कर सकता। यू कैन फाइल एनी टाइम केस, दैट इज नोन एज एसेट। ठीक है जी, तो एसेट क्लियर हुआ? एसेट मतलब वो रिसोर्स जो कि एंटिटी के कंट्रोल में और जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा। बी पार्ट, नेक्स्ट इज योर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? अगर कोई भी आइटम जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो आपका एक्सपेंस है। किस नेचर का? ऑपरेटिंग नेचर का। मतलब बिजनेस चलाने के लिए आपने कोई भी पैसा पे किया, बिजनेस चलाने के लिए आपने कोई भी क्या किया जी, पैसा पे किया, और जिससे आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला, वो आपका खर्चा है, दैट्स इट। रेंट पे किया, भैया एक महीना यूज किया जगह को, रेंट पे किया, तो बेनिफिट तो उठा चुके, फ्यूचर का पता नहीं, तो वो रेंट क्या है? आपका एक्सपेंस है। खाली सर ऑपरेटिंग नेचर का ही होता है? नहीं सर, अदर आइटम्स भी आती हैं इसमें, अदर आइटम्स भी आती हैं, जैसे कि लॉसेस। मतलब कोई भी आपने एसेट को बेचा नुकसान पे, 10,000 की मशीनरी आपने 7,000 में बेच दी, तो 3,000 रुपए का क्या कर आपने नुकसान किया, वो नुकसान भी एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आती है हमारे पास डेफिनेशन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिसको सेटल करने के लिए, जिसकी सेटलमेंट के लिए हमारे रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिसकी सेटलमेंट के लिए हमारे रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा। सर व्हाट इज मीन बाय प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब बैलेंस शीट की डेट पर, बैलेंस शीट की डेट पर वो ऑब्लिगेशन आपके सामने होनी चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल आपके साथ लेता हूं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, सुनते रहना, कुछ लिखना नहीं है, एक कंपनी है, लो मैं इसको, हाँ जी एग्जांपल सुनो, एक कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर लेबर यूनियन ने केस फाइल कर रखा है, लेबर यूनियन ने वेजेस बढ़ाने का केस फाइल कर रखा है। भाई हो सकता है कोई कारण रहा, उस वजह से वेजेस में केस फाइल कर रखा है। अब वो केस चल रहा है कोर्ट में, 31 मार्च 2020 आ गई, 31 मार्च 2020 आ गई, लेकिन अभी भी वो केस कोर्ट में चल रहा है। क्या उस कोर्ट के केस को मैं लाइबिलिटी फॉर्म में बोल सकता हूं? क्या मैं उसे अपनी लाइबिलिटी बोल सकता हूं? आंसर इज नो, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अभी आपकी कोई ऑब्लिगेशन प्रेजेंट नहीं हुई है। ऑब्लिगेशन प्रेजेंट मतलब होने का मतलब क्या होता है कि आपकी बैलेंस शीट डेट पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सर केस चल रहा है, बैलेंस शीट डेट तक भी केस चल रहा है, तो अभी तो कोई ऑब्लिगेशन आई नहीं, हो सकता है कंपनी वो केस जीत जाए, तो देयर इज नो ऑब्लिगेशन, तो वो आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। दूसरा एग्जांपल, 31 मार्च से पहले पहले कंपनी वो केस हार गई, 31 मार्च से पहले पहले कंपनी क्या करती है जी, वो केस कंपनी हार जाती है। अब क्या हुआ? अब 31 मार्च को ऑब्लिगेशन आ गई है कि भैया लेबर को वेजेस पे करनी पड़ेगी, लेकिन अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया। ऑर्डर किस रिगार्डिंग नहीं आया कि कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? कोर्ट ने ये तो बता दिया कि भैया तुम केस हार गए। अगर कंपनी ये एडमिट कर दे कि वो केस हार गई है, तो कंपनी को ऑब्लिगेशन तो आ गई बैलेंस शीट डेट पे, क्या अब वो लायबिलिटी बनेगी? आंसर इज वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन चुकी है, सेटलमेंट होगी, रिसोर्सिव का आउटफ्लो होगा, वो लायबिलिटी की फॉर्म में बन जाएगी। लेकिन मैं अभी उसको कंफर्म्ड लायबिलिटी नहीं बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा प्रोविजन। आगे जाके हम एक चैप्टर भी पढ़ जाएंगे पूरा प्रोविजन कंटिन्यूअल लायबिलिटी वगैरह का। तो ये चीज होती है प्रोविजन। प्रोविजन मतलब क्या होता है?
प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी है जिसका अमाउंट अभी सर्टेन नहीं है, उस अमाउंट की क्या करते हैं जी, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है जी। और अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो ऑब्वियसली आपकी क्या बन जाती है, कंफर्म्ड लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है जी। और इससे जो पहला एग्जांपल मैंने लिया था जिसमें कोर्ट केस चल ही रहा था, वो आपकी लायबिलिटी नहीं है, फिर भी उसको मैं क्या बोलूंगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी बन सकती है, वो लायबिलिटी बन सकती है, वो डिपेंडेंट है किसी इवेंट के ऊपर। इवेंट क्या है जी, कोर्ट केस का हार या जीत, ठीक है। तो वो इसलिए हम उसे कंटिन्यूअल लायबिलिटी को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। तो लायबिलिटी क्या है सर, लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिसकी सेटलमेंट करने के लिए रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा। मेन जो टर्म है आपके सामने सर, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी जरूरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज योर इनकम। इनकम मतलब सिंपल रेवेन्यू, जिसमें आपका आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सर बिजनेस, धंधे से कितना कमा रहे हो। धंधा मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, टीचिंग इज माय बिजनेस, टीचिंग इज माय प्रोफेशन, तो सर मैं उससे जितना भी कमा रहा हूं वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। उसके अलावा अगर मुझे कहीं से इनकम आती है, जैसे मुझे कहीं से इंटरेस्ट आता है, कहीं से रेंट आता है, वो मेरी क्या बन जाएगी, अदर इनकम बन जाएगी। इनकम तो है लेकिन वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, वो मेरी क्या है, अदर इनकम है। दोनों ही हमारी इनकम की कैटेगरी में आती है। और लास्ट इज योर कैपिटल। कैपिटल मींस ओनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस, कि सर ओनर का क्या है बिजनेस में, ओनर का क्या क्या है बिजनेस में। ओनर का बिजनेस में होता है पैसा, जो पैसा वो लगाता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टेड, एक तो वो होता है, प्लस सालों साल जो वो प्रॉफिट कमाता है, वो प्रॉफिट भी तो ओनर का है। तो ओनर के इंटरेस्ट में कैपिटल में क्या क्या आता है सर, उसने जो बिजनेस में पैसा लगाया प्लस उसने जो प्रॉफिट कमाया, अगर लॉस है तो वो लॉस भी एडजस्ट होगा, अगर उसने कोई ड्रॉइंग करी है पैसा निकाला है तो वो भी आपका एडजस्ट होगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, आपका कैपिटल प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट है तो एड, लॉस है तो माइनस, और माइनस करोगे आप इसमें से ड्रॉइंग्स, अगर आपने कोई पैसा विदड्रॉ कर लिया तो। ठीक है जी, दिस इज योर कैपिटल। तो ये पांच टर्म्स क्लियर हुई, तो आप किसी भी आइटम को उठा लेना, वो सारी आइटम्स आपकी इन्हीं पांच टर्म्स के आगे पीछे घूमती रहती है, या तो एसेट होगा, एक्सपेंस होगी, लायबिलिटी होगी, इनकम होगी, या कैपिटल होगी। क्लियर है जी, ओके। अब एक चीज लिखो, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम एंड कैपिटल। ओरिजिनल बैलेंस सर, इनका ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है, अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा और अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा। देखो जी, एसेट्स का ओरिजिनल बैलेंस होता है डेबिट, एसेट्स का ओरिजिनल बैलेंस होता है डेबिट। लायबिलिटी का ओरिजिनल बैलेंस होता है क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं सर, बैलेंसेज होते हैं। एक्सपेंस का डेबिट होता है, इनकम का क्रेडिट होता है, और कैपिटल का भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब अगर एसेट बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, देखो ओरिजिनल बैलेंस उसका डेबिट था तो और बढ़ेगा तो क्या होगा, वो डेबिट होगा, और अगर कम होगा तो क्या होगा सर, उल्टा होगा, रिवर्स चलेगा, क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, ओरिजिनल बैलेंस उसका क्रेडिट होता है, तो लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, और डिक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि ओरिजिनल डेबिट है। कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब आपको देखना है जो ओरिजिनल बैलेंस है अगर बढ़ेगा तो वो ओरिजिनल बैलेंस ही तो बढ़ जाएगा, वो ओरिजिनल बैलेंस ही तो बढ़ जाएगा, और अगर डिक्रीज होगा तो वो ओरिजिनल से भी कम चला जाएगा। एक तरीके से पानी का ग्लास है, पानी के ग्लास पूरा भरा हुआ है एक तरीके से, उसमें और डालोगे पानी तो वो बढ़ जाएगा ना, अगर उसमें से निकालोगे पानी तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। बढ़ना कम होने की जगह पर हम क्या बोल रहे हैं सर, डेबिट क्रेडिट। इनकम क्रेडिट होती है ओरिजिनली, तो अगर इनकम बढ़ रही है तो क्या होगी, वो क्रेडिट होगी, और इनकम घट रही है तो क्या होगी, वो डेबिट होगी। कैपिटल अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट, और कैपिटल अगर घट रही है तो डेबिट। ये तो ये टेबल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ये है आपके रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो आपकी अकाउंटिंग में यूज हो जाते हैं।
ठीक है चलो। अब हम देखते हैं कि, हाँ जी, अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि हम किस किस बुक से, अच्छा एक क्वेश्चन रह गया कि सर कौन सी स्टडी मटेरियल हम पढ़ने वाले हैं। हम अपनी क्लासेस के लिए जो स्टडी मटेरियल यूज करेंगे वो मैं आपको खुद की अपनी बुक दूंगा, मैं आपको दिखा देता हूं अपनी बुक। हाँ जी, ये आपकी बुक रहेगी फाउंडेशन की, लगभग 190 पेजेस के आसपास की बुक है इसमें। इसमें आपको मैंने क्या करा है सर, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस डाले हुए हैं। पहले मैंने आपका ये सिलेबस दे दिया, यहां पर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं। ये देखो, ये ऊपर आप, मैंने आपको आईसीए का सिलेबस दे दिया जो आईसीए के कंटेंट है। उसके बाद मैंने क्या करा, आपको यहां पर चैप्टर की लिस्ट दे दी। मैंने आपके कोर्स को लगभग 20 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और यहां से आपका चैप्टर शुरू हो जाते हैं। लगभग 186 की आपकी, 186 पेजेस की आपकी बुक है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे। सर क्या हमें आईसीए का स्टडी मटेरियल करना है? सर आईसीए का स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि सर उसका एक एक क्वेश्चन मैंने इस बुक में डाल दिया है, तो आपको वो अलग से करने की जरूरत नहीं है। मेरे कंसेप्ट पढ़ते चलो, नोट्स में आपको क्लास में लिखवाऊंगा ही, वो नोट्स बनाते चलो। आपको कोई भी स्टडी मटेरियल रेफर कर नहीं करना, ये बुक आपकी बाइबल है। इस बुक में आईसीए के स्टडी मटेरियल कवर है, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, इंस्टीट्यूट के जो आरटीबीस के क्वेश्चन होते हैं वो आरटीबीस के क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैं डाल सकता था उतने मैंने डाल दिए हैं। सिर्फ एक चीज क्या नहीं डाली होगी, जो आपके अटेम्प्ट से पहले का आरटीपी होगा, क्योंकि सर मुझे नहीं पता आप कौन से अटेम्प्ट में पेपर दोगे। हो सकता है आप नवंबर 20 में दो, हो सकता है आप मई 21 में दो। तो जो भी आपके एग्जाम से पहले आरटीपी आएगा वो 1-2 महीने पहले ही आता है, तो वो आपको उस टाइम पे करके चलना पड़ेगा। उसकी कोई दिक्कत नहीं, मैं यूट्यूब पे वीडियो हमेशा आरटीपी की डाल ही देता हूं, ठीक है जी? तो वो भी हमारा साथ साथ कवर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? हाँ जी। सो दिस वॉज योर बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर। तो आई होप सो आपको चीजें कुछ समझ में आई होंगी, मेरा एक पढ़ाने का भी तरीका समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से मूव ऑन करने वाले अपने कोर्स को। रजिस्टर्स के बारे में सर, आप 2 रजिस्टर जरूर मेंटेन करेगा। 2 रजिस्टर में एक आपका सर रजिस्टर आएगा फॉर प्रैक्टिस, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और एक रजिस्टर आपका रहेगा कंसेप्ट रजिस्टर, जिसमें आपको कंसेप्ट लिखना है। जो कंसेप्ट मैं आपको दूंगा वो आपको कंसेप्ट में लिखना है, कंसेप्ट के साथ साथ मैं कई बार एग्जाम्पल भी लिखवाता हूं, तो वो एग्जाम्पल भी आपको कंसेप्ट रजिस्टर में ही लिखना है, ठीक है जी? और जो प्रैक्टिस का रजिस्टर होगा उसमें जितने भी मैं क्वेश्चंस क्लास में कराऊंगा वो, प्लस जो मैं क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दूंगा वो सारे क्वेश्चन आपको एक ही साथ करके चलने पड़ेंगे, ठीक है जी? कंसेप्ट रजिस्टर का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा सर, बाद में एग्जाम से पहले जब आपको रिवाइज करना होगा तो आपका वो कंसेप्ट रजिस्टर ही काम में आएगा, ठीक है जी? चलिए फिर, तो आई होप सो आपको ये चीजें पसंद आई होंगी, लेक्चर आपको कुछ समझ में आया होगा। तो हम इसी तरीके से अपनी कंटिन्यू करेंगे क्लासेस। तो नेक्स्ट जो आपको क्लास मिलेगी उसमें हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जी, एवरेज ड्यू डेट का। तो गेट रेडी फॉर दैट चैप्टर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लासेस। अच्छे से पढ़िए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।